सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और जब से G20 हुई है, आप सब देख रहे हो कनाडा के प्रधानमंत्री की बेचारे की ज़्यादा ही बेइज्जती हो रही थी, उसी का ये प्रतिफल है कि अब वो अपने देश जाकर के वही हाल है, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या हुआ है। एक्चुअली कनाडा ने भारतीय राजनयिक जो थे, मतलब वहाँ के इन्वॉय थे, राजदूत आप समझते हो, तो उसमें अलग अलग लेवल के होते हैं, कुछ हाई कमीशन में होते हैं, कुछ डिप्लोमैट्स होते हैं, कुछ न्यूली ज्वाइन डिप्लोमैट होते हैं, जो IFS ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्या किया गया है, उनको हटा दिया है। इसमें ट्रूडो ने क्या कह रहे हैं, ट्रूडो क्या कह रहे हैं, निज्जर हत्याकांड में हो सकता है भारत का हाथ, हो सकता है, मतलब इनका अभी तक डाउट है कि हो सकता है। चलिए इसको बारीकी से समझेंगे कि क्या है इसमें बात, और फिर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे खालिस्तान की बात क्या है और ये कनाडा में ही क्यों जाकर के ये ग्रो हुआ। कनाडा का थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे, एक एक वीडियो की सीरीज आएगी, आपको खालिस्तान के बारे में भी जानना चाहिए। खालिस्तान एक इंसर्जेंसी मूवमेंट है अलग देश के लिए, जो कि पंजाब से चाहते हैं। चलिए ये सब चीज़ें तो है, एक्चुअली ये शुरुआत कहाँ से होता है इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। अभी G20 की मीटिंग थी और G20 की मीटिंग में, मतलब जानबूझ करके कह लो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह लो, या सबको दिखाने के लिए कह लो, इस जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे इनकी हुई बेइज्जती। ठीक है, अब बेइज्जती हुई है, कई तरह से हुई है, कई बार में हुई है, क्योंकि ये अपने देश में एक इंसर्जेंट ग्रुप को बढ़ने दे रहे हैं। क्लियर है, इंसर्जेंट क्या होते हैं, विद्रोही होते हैं, जो या तो किसी अलग देश राज्य या किसी अलग सेक्ट की मांग करते हैं। ठीक है, अब इनको अपने देश में इलेक्शन जीतना है, और जो कुछ सिख कम्युनिटी है वो क्या करती हैं, वो वहाँ पे, अच्छे देखो सिख लोग काफ़ी अमीर हो, ठीक है, हर मामले में वो अमीर हैं, वहाँ लार्ज एरिया है, कनाडा का आप मैप देखोगे तो काफ़ी सारा एरिया है, वहाँ पे सब लोगों ने अपना फाइनेंशियल बेस वहाँ पे बनाया, और वहाँ से ही अपने इंसर्जेंट मूवमेंट को ऑपरेट करते हैं। आपको मालूम ही होगा इंदिरा गांधी की हत्या और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सब चीज़ें तो मालूम होगा, नहीं होगा तो एक एक करके सीरीज लाएंगे, आपको समझाएंगे। तो ये चीज को पनाह देना किसी एक अलग देश को, मतलब वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत ने यही किया, उनका थोड़ा सा कड़ा रुख के साथ विरोध किया। इनको बुरा लग गया तो बुरा लग गया, तो अपने देश में पहुंच के ये थोड़े बहुत तीखी बाजी करें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा उनके यहाँ के लोग भी उनकी बेइज्जती ही कर रहे हैं, उनके न्यूज़पेपर्स ने उनकी भारी बेइज्जती की। दिस वे आउट आपको दिखाया होगा, वो न्यूज़पेपर सीधे एक बड़े से हेडिंग में लिखता है मोदी और उनको कि दिस वे आउट, ठीक है, दिखाते हुए। ये सब चीज़ें तो हैं, वहाँ की देश भी इनका कुछ खास इज्जत नहीं करती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स है। सबसे पहले हम हिंदी न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा क्या है और इसको समझिए। कनाडा के PM ने संसद में कहा कि खालिस्तान समर्थक सिख नेता, अब ये लिख भी रहा है खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कनाडा की खुफिया एजेंसी आरोपों की जांच कर रही है। अब बताता हूँ आपको कहानी है क्या। अभी से पिछले एक साल में अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, बड़े बड़े खालिस्तान टॉप मोस्ट वांटेड लीडर्स को मार दिया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग रीजन से, कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई इलाज करते वक्त, लेकिन मर जा रहे हैं भाई, ये तो है। रीजन क्या है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस व्यवस्था है, वो अपना सर्च करेंगी, लेकिन मर्डर हो जा रहा है इनका। इनका कहना है कि जो ये निज्जर है, इसकी मौत का कारण भारत है। इनको कैसे पता चला, इनको आकाशवाणी हुई या क्या इनके पास इनपुट था, इसको देख लेते हैं। इसलिए इन्होंने भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन आरोपों को विश्वसनीय बताया, मतलब क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है भारत सरकार का कनाडा में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में हो सकता है। उन्होंने संसद में कहा कि खालिस्तान के प्रबल समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर, एक्चुअली इनका कल्चरल इवेंट इन्हीं का था सिख लोगों का, वहां के जो टेररिस्ट है उनका सब लोग आए हुए थे उसमें, और ये लोग बहुत भारत विरोधी काम करते हैं, जैसे झंडे की तौहीन कर रहा, फुटबॉल बना के खेल रहे थे, मैंने कुछ दिन पहले देखा था इनका प्रोटेस्ट, ठीक है। और G20 सम्मेलन भी जब हो रहा था भारत में, तब इन्होंने कहा था कि सम्मेलन को बिगाड़ दो, खराब करो, वहां पे अटैक कर दो, ये कर दो, ताकि भारत की बदनामी हो और ये सब हो, पता नहीं लोगों को इंटरेस्ट मिलता है ना। तो उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद कनाडाई खुफिया एजेंसी जांच कर रही है। ट्रूडो ने भारत संसद को बताया कि उनके पिछले सप्ताह G20 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस हत्याकांड का मामला उठाया था, कहा था कि भारत सरकार की कोई भी संलिप्तता अस्वीकार्य होगी, इसके साथ ही जांच में सहयोग मांगा। एक्चुअली ये अपना जान बचा रहा है बेचारा, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसको
ये कहा था आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि आपके यहाँ जो खालिस्तान समर्थक पल रहे हैं उस पर थोड़ा लगाम लगाइए। अब ये क्या करे बेचारा, अपनी जान तो बचाएगा ना। जैसे हमारे देश में संसद में अपने प्रधानमंत्री बताते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, ये वहाँ पे फंस गया है, वहाँ के न्यूज़पेपर मीडिया चैनल सब कुछ उसको पीछे पड़ गया ना, तो वहीं पे वो जवाब दे रहे हैं। कनाडा के विदेश मंत्री ने क्या कहा ये सुनिए। मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा में भारतीय खुफिया प्रमुख को निष्कासित कर दिया गया है। जूली ने कहा कि अगर यह बात सच साबित हुआ तो हमारी संप्रभुता देश के एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा, परिणाम स्वरूप हमने एक शीर्ष भारतीय राजनीतिक को निष्कासित कर दिया गया है। मतलब इन लोगों का डाउट है कि जो हाई कमीशन था उसमें एक डिप्यूटेड बंदा था जिसको अचानक से प्रमोट कर दिया गया और उसी का हाथ है इन सबको मरवाने में। हो सकता है भाई, रॉ कुछ भी कर सकती है और हर देश में ये होता है। अपनी जान बचाना तो सबका फर्ज है, सब लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, तो ये तो हमारा देश है और वो पहले वाला भारत तो रहा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, है ना। अब देखिए, ट्रूडो ने कहा पिछले कई हफ्तों में कनाडाई सुरक्षा एजेंसी, भारत सरकार के एजेंटों और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध में आरोपों का सक्रिय रूप से जांच तो कर रही है। कनाडा के पीएम ने कहा कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या उनका उल्लंघन है, उनकी सरकार इस मामले में कनाडा के सहयोगी के साथ मिलकर काम कर रही है, समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा कड़े शब्दों में, मैं भारत सरकार से इस मामले की तह तक जाने के लिए कनाडा के साथ सहयोग करने का आग्रह करता हूं। अब वो क्या तह तक जाएंगे मालूम नहीं, और भारत सरकार तो पूरा सहयोग करती है टेररिस्ट को निपटाने में, आप लोग जानते ही हैं। देखो अब यहां समझो कि कुछ देशों में खालिस्तान आंदोलन को समर्थन, जैसे भारत में खालिस्तान का लिबरेशन फ्रंट हो या लिबरेशन फोर्स हो, ये प्रतिबंधित है, ये सबको पता है। जहां सरकार इसे और इससे जुड़े समूहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, लेकिन इस आंदोलन को अभी भी कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में, एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम कनाडा में क्या किया गया था कुछ दिन पहले, जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके फोटो के साथ और एक थ्रेट, मतलब उनको थ्रेट दिया गया था कि भैया इनको मार दो, जिसको जहां मिले मार दो इसको, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं। तो ये सब इन देशों में ज्यादा ये हो रहा है। इस आंदोलन को अभी भी कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में प्रमुख समर्थन प्राप्त है। तो जी यूनाइटेड किंगडम में बेचारे ऋषि सुनक वो तो बोल के गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्लियरली बोल के गए हैं हम एक हिंदू हैं और ये सब नहीं होने देंगे, उन्होंने कह के गए, तो वो तो हट गए, बच गए हैं कनाडा। इनका भी कुछ दिन में गर्मी शांत हो जाएगा। कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक निज्जर को खालिस्तान का एक मुखर समर्थक कहा, बयान में कहा गया कि निज्जर के कई महीनों तक सार्वजनिक तौर पर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी और भारतीय खुफिया एजेंसी के निशाने पे हैं। अब इन्हीं के देश के लोगों ने क्या कहा है, थोड़ा इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। देखिए इनके जो आपके ट्विटर अकाउंट है उन्होंने क्या कहा था, गिव द इंडियन डिप्लोमैट हु कनाडा हैज एक्सपेल्ड फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ ए खालिस्तान टेररिस्ट, पे हाइक एंड डबल प्रमोशन। ये इसी के देश के लोग हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि जिसका हाथ है इसने एक्सपेल किया है उसको पे हाइक करके और डबल प्रमोशन दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर यूजर नेम पुनीत साहिनी, ट्रूडो हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेपनाइजिंग एजेंसी, उसकी हिस्ट्री रही है ट्रूडो की कि वो वेपनाइज करता है, मतलब एजेंसीज को भड़काता है, उनसे गलत काम करवाएगा। रिगल आउट द एम्बैरेसिंग फियास्को, अपना पर्सनल मतलब साधने के लिए, वहां की एजेंसी का भी वही हाल है। इन 2018 व्हेन ब्रिंगिंग अलोन कन्विक्टेड खालिस्तानी टेररिस्ट बिकेम ह्यूज कंट्रोवर्सी, ही पब्लिश्ड ए लाई थ्रू एनएसए दैट रोग इंडियन एलिमेंट्स बिहाइंड इट। अब देखो ये खालिस्तान टेररिस्ट के कॉन्स्पिरेसी को जब ये उजागर हो गया तो इसने वहां भी इंडिया का 2018 में नाम लगा दिया था। फिर कुछ लोगों का और देखते हैं, इंडियन एजेंट्स डिड किल अ डर्ट बैग खालिस्तानी टेररिस्ट ऑन कैनेडियन सॉइल, दे हैड गुड रीजन, ही ट्वीटेड, हेल हैज नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्क्वाड। ये कहावत है, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि ये तारीफ कर रहे हैं कि अगर डर्टी खालिस्तान सॉइल खालिस्तानियों को खत्म कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। If Indian agents did kill the dirty bag Khalistan terrorist on Canadian soil, they had good reason. The fact Trudeau has been made to look the fool to the world has likely triggered and hurt his ego. He didn't take Chinese interference in Canadian election seriously. So this has to be retribution for all the items he made to look weak. देखो actually क्या होता है कि कहीं भी देश में election जब होगा तो वहाँ का प्रधानमंत्री जो public के नज़र में जो मुद्दे हैं उस पर वो कमजोर होना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उस पर कमजोर हो गया तो फिर election हार जाएगा। तो ये चीज यहाँ भी लागू होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही लागू हो रहा है, एक्चुअली ये चीज हर जगह है। सो कनाडा में क्या हो रहा है कि वहां भी इलेक्शन माहौल, वहां की जो अपोजिशन लीडर है, चूंकि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है, हमारे देश की तरह नहीं कि कुछ आप बोल दोगे तो आपको कुछ कर दिया जाएगा, ये चीज वहां है, तो वो खुलेआम इनके खिलाफ लिख रहे हैं।
अब इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये करे क्या, अब पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों को लड़ाएंगे नहीं, भ्रमित नहीं करेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे, वहां भी ये सब चीजें हैं। यूजर नेम पर्वलस गर्ल, इन्होंने क्या लिखा है, जस्टिस ट्रूडो वाज साइलेंट व्हेन इंडियन डिप्लोमैट्स आर बीइंग टारगेटेड बाय खालिस्तानी टेररिस्ट। जब इंडियन डिप्लोमैट्स को टारगेट किया जा रहा था तब ये शांत था, ठीक है, आज ये हीरो बन रहा है, बट नाउ टारगेटिंग इंडियन गवर्नमेंट फॉर बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इट्स ओन कंट्री। अब उसके देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तभी तो कोई किसी को गोली मार दे रहा है, कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, मतलब भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट इतने खतरनाक तरीके से होते हैं, और ये कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत यहाँ के डिप्लोमेट को भगा देंगे, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, उनको अगली फ्लाइट से बाहर कर देंगे। द ट्रूथ इज कनाडा इज अ सीरियल ऑफेंडर फ्रॉम बीइंग सॉफ्ट ओवर खालिस्तान इशू। एक्चुअली खालिस्तान का जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उनको एक सेफ हैवन चाहिए था। सेफ हैवन क्या होता है, मतलब ऐसा एक जगह जहां ना उनको कोई रोके ना टोके, ना पैसे की कमी हो, ना ग्रोथ की कमी हो, ना उनके हथियार खरीदने पे रोक हो, ये सब ऐसे देश हैं जहां पे हथियार रखने पे भी रोक नहीं है, ठीक है, और उनके जो करने के तरीके हैं वो भी थोड़े इस तरीके के हैं, ठीक है, तो सरकार और सभी लोगों का समर्थन वहां मिल जाता है। यूजर नेम जो है दिव्या सुती पुअर लोनली बेबी ट्रूडो वाज एस्कॉर्टेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर सपोर्टिंग टेररिज्म हैज कंप्लेंड अबाउट अलीग डासानीसन। इनका कहना है कि जो गरीब बच्चा था ट्रूडो उनको डांट पड़ी मोदी से, तो उन्होंने मतलब रोने और गिड़गिड़ाने लगे और फिर इंडिया को ही ब्लेम करने लगे, ठीक है, कनाडा टू ही सेनाइल पापा बाइडेन। आई एम जस्ट लविंग इट। द एक्सपल्सन कम एज रिलेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया टेंस। ये तो बात सच है कि अगर उसने एक्सपल्सन किया है तो हमारे तरफ से भी कुछ रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है काउंटर रिएक्शन होगा, होना जाना कुछ नहीं है। ट्रेड टॉक तो इसने ऐसे भी रोक दिया, 6 राउंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टॉक्स चल रहे थे, इसने रोक दिया, कोई उससे विशेष हानि नहीं होगी, अगर व्यापार रुकता है तो एक तरफ का तो नहीं रुकेगा, दोनों तरफ का रुकता है। तो ये सब मुख्य बातें हैं जो इनके देश में भी इनकी किरकिरी हो रही है और हमारे देश में तो खैर हुई ही है, G20 से सबसे ज्यादा यही टारगेट किए गए। बेचारा चाइनीज प्रेसिडेंट तो चिंग चांग चिंग करके आया नहीं, तो इनकी बारी जो है वो है। सो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे आपको अगली वीडियो में। खालिस्तान क्या है, खालिस्तान आया कहाँ से, खालिस्तान वर्ड का मीनिंग से लेकर के अभी करंट सिचुएशन क्या है ये, और दूसरा कनाडा का क्या रोल है, मतलब कनाडा की ज्योग्राफी कैसी है, क्यों कनाडा में ही बड़ा, कनाडा में क्या ऐसी मजबूरियां हैं, वहां कैसे ग्रोथ हुआ, ये सब आपको बताएंगे अगले 2 वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।